सबसे पहले क्रीमी पैटी डील की क्रीमी ट्रीट्स देख लो, ट्यूना फ्लेवर में इन दोनों के लिए लेके आया था। एंड आफ्टर दिस जो मैंने तुम लोगों को दिखानी थी चीज़, वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने जा रही है। और आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ है। मीरा कैट फूड काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान में पहले भी देते हैं अपनी कैट्स को। सो मीरा कैट फूड का जो है हमारे पास ये आया था, पेट फूड फैमिली मतलब जो भी है बला 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 बला, मीरा का हमारे पास ऑल कैट्स एडल्ट आया है। ये हम लोगों के वो है जेली फूड होता है सी, ठीक है। सो इसका जो फ्लेवर सैल्मन है ठीक है, इसका ये अगर तुम लोग यूज़ करते हो बिल्कुल क्रश्ड है, कीमा बना हुआ है बिल्कुल, जैसा कि मैंने विस्कस का तुम लोगों को किटन वाला दिखाया था लास्ट वीडियो में कि मैं मिक्स करके देता हूँ, तो वो मुझे मिला नहीं था कहीं और से। तो मैंने इसको वहाँ पे हाथ लगा के चेक किया, सो तो ये वाला वाकई में क्रश था। अच्छा अब इसके अंदर और भी फ्लेवर्स हैं, एक और फिश वाला ही फ्लेवर है, मुझे उसका नाम नहीं याद। एक तो सैलमन फ्लेवर है, अच्छा और एक मैं बीफ फ्लेवर लेके आया हूँ। बीफ फ्लेवर नहीं लेना, वो क्रश नहीं होगा, उसके अंदर छोटे छोटे जो हैं वो चंक्स बने होंगे, वो लोग उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये वाला क्रस्ट मिलेगा तुम लोगों को बिल्कुल। और जोरो इज़ वेटिंग, अभी तो इसे खाना नहीं देना, सुबह सुबह दिया था और इसे भी सुबह सुबह दिया था, अब रात का खाना इन्हें देना है, ठीक है। सो यस, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, जाते जाते ये भी बात बताता चाहूँ कि अगली वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने चाहिए, क्योंकि इन दोनों का हम लोग कर रहे हैं कैट फूड स्विच। सो मनो 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 को मनो, तो यस हम लोग इनका कैट फूड स्विच करें। मियो से हम लोग इनका पेट लाइन के ऊपर ले आएंगे, ठीक है। पेट लाइन जो है टर्किश ब्रांड है, मैंने थोड़ी बहुत सर्च भी की है, इतना बुरा ब्रांड नहीं है, दैट इज़ द चीपेस्ट ब्रांड और एज़ कम्पेयर टू मियो, तो आई हैव टू स्विच ऑन दैट। मेरा थोड़ा सा वो मुझे अच्छा भी लगता है, उसकी पैकिंग तो मुझे अच्छी लगती है। आई डोंट नो, लेट मी ट्राई, फिर मैं तुम लोगों को भी दिखा दूंगा कि क्या रिजल्ट्स हैं, इफ़ दे आर फाइन और नॉट, ठीक है। क्योंकि मियो कैट फूड से भी मेरे को इतना मसला नहीं होगा जितना मतलब था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, शायद ये यंग एज में है अभी, इतनी मतलब ओल्ड नहीं हुई है इस वजह से, और अल्लाह करे इन्हें कुछ भी ना हो यार। और यस यही चल रहा है अभी, बाकी न्यूरस पे का भी इनका सोच रहा हूँ इंशाल्लाह, वो भी देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं, लेट्स सी। ये थी आज की छोटी सी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। अल्लाह हाफिज़।